नागौर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट का घेराव भारतीय जनता पार्टी की ओर से 19 अप्रैल को किया जाएगा। इसको लेकर जिले भर में भाजपा की ओर से हर एक कार्यकर्ता को जोड़ने के साथ ही महा घेराव में आने का न्योता दिया जा रहा है। कोचामन सिटी में भी भाजपा की ओर से इस महा घेराव की व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। शहर में जनसंपर्क किया गया ताकि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो। नगर परिषद कोचामन में नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया ने बताया कि 19 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नागौर आएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार आमजन से किसानों से छलावा करके सत्ता में आई है। बेरोजगार युवाओं के साथ इस प्रकार से अन्याय किया गया है। कोचामन नगर परिषद में भी आयुक्त सभापति अपनी तानाशाही कर रहे हैं। 2 साल बाद भी नगर परिषद में कमेटियां नहीं बनाई गई है। साधारण सभा की बैठक को 7 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। भाजपा किसान मोर्चा के बीकानेर संभाग प्रभारी ज्ञानाराम रणवा और बाबूलाल पलाड़ा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन से बुधवार को नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर होने वाली आम सभा में भाग लेने का आह्वान किया है। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया है। किसानों के साथ सलवा करके सत्ता में आए थे, इन्होंने बोला 10 दिन में कर्जा माफ़ी हो जाएगी और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस युवा विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षाएं दी, पेपर लीक, मतलब सबसे बड़ी इन्होंने कमर जो तोड़ी है वो युवा शक्ति की तोड़ी है, आने वाले भविष्य की तोड़ी है। कम से कम जितने भी इन्होंने पेपर कराए हैं, हर पेपर लीक हुए हैं, इसमें कोई भी उचित इन्होंने कार्रवाई नहीं की। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि एक पेपर देने की डेट होती है, उम्र होती है। अब उन बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, उसका जवाब जनता ने देगी। गरीबों के साथ में भी इन्होंने छलवा किया है। 10 किलो गेहूँ वितरण होता था, इसमें से 5 किलो गेहूँ वितरण हो रहा है, वो भी सेंट्रल का हो रहा है। भ्रमित करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोचामन से क्या तैयारी की जा रही है विरोध प्रदर्शन के लिए? कोचामन से कोचामन सिटी से हम कम से कम 2000 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ का आयुक्त और सभापति जिसका आज कांग्रेस का यहाँ बोर्ड है, इन्होंने अभी तक कोई भी एक भी समिति नहीं बनाई। और स्थानीय जो विधेयक है वो भी इनको समिति बनाने के लिए नहीं बुला रहे, जो कि राज्य सरकार के पास चली गई। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री महोदय खुद आधे से ज़्यादा पद मंत्रालय खुद संभाल के बैठे हैं, जिससे स्पष्ट समझ में आता है कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।